राजेश, सबसे पहले तो जो आपका आकलन है, हेड्स ऑफ टू यू, एब्सोल्युटली मिलिट्री लाइक एंड क्या बैलेंस रिपोर्टिंग। दूसरी बात जो मैं सवाल नहीं, जो मैं चाहता हूं कि कुछ बताऊं और आपसे उसके ऊपर मैं रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, मेरे चार वहां पर न्यूक्लियर प्लांट्स हैं और एब्सोल्युटली उनके ऑपरेशनल और जो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है, जिसमें दो पे मोरलेस कब्जा है, आपने कहा 20 किलोमीटर हैं, दो जो हैं वो ईस्टर्न में नहीं, वो वेस्टर्न साइड में है, तो आपने कहा शायद कहा कि सर्जिकल ऑपरेशंस करेंगे, स्पेशल फोर्सेस से बोलेंगे। दूसरी बात, एक बात आती है, अभी तक आपने भी नहीं जिक्र किया है मगर ये जानकारी है कि 10 बायोलॉजिकल प्लांट्स थे जिसके ऊपर पुट इन एब्सोल्युटली, और जो मदर ऑफ ऑल बम्स, थर्मोबेरिक बम्स की बात हुई थी, जो कि सुमी के फर्दर इसमें है साउथ वेस्ट में, उसमें कॉन्टॉप उस पर उन्होंने गिराया था, ऐसा मानते हैं। और जो आप देख रहे हैं चरणवीर, इस इलाके से लेकर के कारकॉप के इलाके में 20 किलोमीटर जिसमें लाल दिखाया जा रहा है रशियन के कब्जे में, मगर वो सब को बर्बाद करने का भी उनका ये है, एक मंशा है, क्योंकि थ्रेटन करेगा रशिया को, और इसमें कुछ इजरायलीज भी कहते हैं थे, उनका भी एक दो, और चाइनीज का भी है। तो या मैं इस पे रिएक्शन नहीं लूंगा क्योंकि मैं इसके ऊपर काफी रिसर्च किया है और ये चीज पब्लिक डोमेन में नहीं है। जो बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरा आकलन 3 दिन लड़ाई के पहले से कि 15 से 20 दिन के बाद कोई निर्णायक होगी, और एब्सोल्युटली मेरा मानना है कि रशियंस के जो प्लान है उसके अनुसार चल रहा है। जो दूसरी बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं और आपसे रिएक्शंस लेना चाहता हूं, जो एक लगा दिया कि पूरा का पूरा ये आ रही है, कुछ हमारे एनालिस्ट का है कि वो बांटना चाहते हैं जो ईस्टर्न साइड जो नाइपर रिवर के साथ में और वेस्टर्न साइड को छोड़ना चाहते हैं, इसमें कहां तक सच्चाई है? देखिए सर, पहले गुड मॉर्निंग टू यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिसिएशन। मैं पहले आपके पहले सवाल पे आऊंगा। देखिए, जो बायोलॉजिकल वेपन्स के प्लांट्स हैं यहाँ पे या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, ना सिर्फ यूक्रेन और रूस के लिए बल्कि पूरे यूरोप और पूरी दुनिया के लिए। अगर इन प्लांट्स को कोई क्षति पहुंचती है लड़ाई के दौरान और इनसे रेडिएशन का लीकेज होता है, तो ना सिर्फ यूक्रेन के लिए घातक होगा बल्कि सेंट्रल यूरोपियन मुल्कों के लिए, और हो सकता है पश्चिमी यूरोप तक उसका प्रभाव जाए, तो सबके लिए बहुत ही खतरनाक होगा ये। जहां तक आपने थर्मोबैरिक बॉम्ब्स की बात की, वैक्यूम बॉम्ब्स, मैं दर्शकों को थोड़ा इसके बारे में बता दूं, ये बहुत ही घातक बम होते हैं और न्यूक्लियर हथियारों के बाद ये नंबर 2 पे आते हैं। इनका जो डिस्ट्रक्शन पावर है वो ऑलमोस्ट न्यूक्लियर वेपन्स के बराबर होता है, छोटे न्यूक्लियर वेपन्स के बराबर, और इनसे जो नुकसान और जान माल की क्षति होती है वो बहुत ज्यादा होती है। एक खबर आई थी कि रूस ने एक वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल किया है, जो बाद में गलत साबित हुई। वैक्यूम बॉम्ब्स का अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन अगर फ्यूचर में ऐसा कोई इस्तेमाल होता है थर्मोबैरिक वेपन्स का किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट पे या बायोलॉजिकल पावर प्लांट के ऊपर, तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है और दुनिया इस चीज को रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार होगी। दूसरा आपका सवाल था कि क्या रूस इसको पूर्व और पश्चिम बांटना चाहता है। देखिए, मैं आपको एक प्रेसिडेंट पुतिन के कल के बयान के ऊपर ध्यान दिलाना चाहूंगा। कल उन्होंने बोला है, अगर यूक्रेन अपनी कार्रवाइयों से बाज नहीं आता है तो हो सकता है कल यूक्रेन कोई देश बचे ही ना। इसका अर्थ ये है, इसके मायने ये हैं कि हो सकता है अगर ऐसा होगा तो रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा करेगा और यूक्रेन एक बार दोबारा से रूस का हिस्सा बन जाएगा।